मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा मरह के सुनने वाली हमारी माँ और बहनों बेटियों, इस नाचीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। वरहन वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुरान पाक की उस आयत रब्बानी पे अमल करते हुए, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्न अल्लाह वमलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी खूब खूब मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ, इस यकीन के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि दुरूद पढ़ने से घरों में, ज़िंदगी में बरकतें नसीब होती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जितना दुनिया में जो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा, क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही मेरे करीब में रहेगा। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के कुछ ख़ास मुकर्रर फरिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़मीन में घूमते हैं, ज़मीन में फेरा लगाते हैं, और जो बंदा अल्लाह के नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजता है तो वो फरिश्ते उसी दुरूद व सलाम को नबी की बारगाह में पेश करके ये अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के मुक़द्दस नबी, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा है, तो आप यहाँ सलाम भेजेंगे। फरिश्ते हमारे दुरूद व सलाम को अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश करके अर्ज़ करेंगे, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने भेजा है। तो कितना खुश नसीब है वो बंदा जो उसका भी नाम लिया जाता है नबी की बारगाह में, उसके बाप का भी नाम लिया जाता है नबी की बारगाह में। इसीलिए मेरे आका ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कि सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलतें हैं अहादीस मुबारक में। आइए मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम मुबारक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल आलमीन शफील मुस्लिमीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद वाला आदिशी वहले बैतही व औलादही व ज़ुर्रियातही व अज़वाजही व सहाबही वाउलिया उम्मतही अजमईन कमा सल्लैत वसल्लम तबारक रहीम तआला सैयदना इब्राहीम व अला आले इब्राहीम सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की अज़ीम शान मजलिस उर्स कुल यानी इसाले सवाब की मजलिस मरहूम मग़फ़ूर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के मौके पे इस मजलिस उर्स कुल का इनेकाद उनके भाइयों ने, उनके घर वालों ने की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस मजलिस उर्स कुल के सदक़े तुफ़ैल से मौला तबारक व ताला मरहूम मौलाना हुसैन साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। मोहब्बत के साथ कहिए आमीन, और आवाज़ के साथ कहिए अज़ीज़ान मोहतरम। ये उर्स कुल मजलिस, ये एक इसाले सबाब की मजलिस है, फातिहा की मजलिस है। किस चीज़ की मजलिस है? ज़रा आप करीब हो जाइए, आप लोग ज़रा करीब हो जाएं। जो बुज़ुर्ग हैं वो दीवार से लगे रहें, टेक बोलक सी बात है, मगर जो जवान हैं वो कम से कम करीब हो जाइए। ये इसाले सवाब की मजलिस है और इसकी बहुत ही बड़े बड़े फ़ायदे हैं। बंदा जब अपने मरहूमीन के नाम पे इसाले सवाब करता है
तो इस इसाल सबाब की बरकत से अल्लाह ताला मरहूम की खताओं को गुनाहों को मुआफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में भेज देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अच्छी तरह जानते हैं मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम के साथ लगा सकता है, इसलिए कि रहमतुल्लाह का माने क्या हुआ, अल्लाह की रहमत हो उस पर, कहिए सुभान अल्लाह, यही न माने हुआ जी। तो एक आलिम कौम के लिए रहमत होता है, एक आलिम कौम के लिए बरकत होता है। जिस तरह से आसमान में सितारे हैं और चमक रहे हैं, उसी तरह ज़मीन पर उलमा की जमात है जो चमक रहे हैं, जो दमक रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उलमा की बहुत बड़ी फजीलत है, और आज आप एक ऐसे मुहसिन और ऐसे आलिम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए इस मजलिस में आए हैं जो इसी मस्जिद के खतीब व इमाम भी थे, कहिए सुभान अल्लाह, इस मस्जिद के खतीब व इमाम भी थे। ये जहन में रहे, जो कौम अपने अकाबिल और अपने बड़ों की कुर्बानियों को, उनकी यादों को भूल जाती है, वो कौम हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाती है। मैं क्या तफसीली गुफ्तगू करूं आपको उस माहौल में ले जाऊं। आज हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमाए कराम ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उलमाए कराम ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इस मस्जिद के खतीब व इमाम, और सरकार अज़ान गाशी रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने, उनके मुरीद, उनके आस्ताने से ताल्लुक़ था उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर, ये नाचीज़, ये गुनहगार उनके साथ तकरीबन 2 या 3 साल वक्त गुजारा, और मैंने उनको करीब से देखा और उन्होंने मुझको भी करीब से देखा। और ये भी याद रहे कि एक आलिम ही एक आलिम की कदर व अज़मत को जान सकता है, जाहिल नहीं समझ सकता है, जाहिल नहीं समझ सकता है। वली रा वली मी शनासत, वली वली को पहचानता है, आलिम रा आलिम मी शनासत, आलिम आलिम को पहचानता है, जाहिल नहीं पहचान सकता है। न जाने क्या अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी थी कि एक साल वो मुझे इस तरह से, जिस तरह से एक बिजली की रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से मुझे हर तरफ, वो कहाँ कहाँ मुझे ले गए वैसे वक्त में, आज तो पूरी दुनिया मुझे जान रही है, आज तो पूरे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर, ये नाचीज़ आपकी दुआओं के सदके, अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की सदके तुफैल से मैं जा रहा हूँ। मगर ऐसे बुरे वक्त में, जबकि एक आलिम को यह समझ रहा था कि वक्त की बहुत ज़रूरत है ये, और ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे संभाल के रखा, और ऐसा संभाला कि जो लोग हमारे उर्से कुल को तरह तरह के खुराफात बकते थे, किसी कोई हांडी को हराम कह रहा था, कोई उर्से कुल मजलिस को हराम कह रहा था, नाजायज़ कह रहा था, कोई वहाबी कह रहा था, सुन्नी तो कहता ही नहीं था, सुन्नी कोई आपको कहता ही नहीं था, ये नाचीज़ के आने के बाद आपको लोग सुन्नी कह रहा है, ये बात हकीकत है। ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे दरबार हक्कानी के जो अवाम है, जो मुरीद है, सब इस बात को मानते हैं। तो ये उस अजान, वो उस हस्ती की काविश और उसकी मेहनतें थी जिन्होंने मुझे संभाल के रखा, एक जरिया था वो, मगर निगाह किसकी थी, अजान गाशी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह थी, निगाह किसकी थी, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह थी, निगाह किसकी थी, ख्वाजा अमीरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की निगाह थी, निगाह किसकी थी, सरकार मुजाहिद मिल्लत की निगाह थी, उन औलिया कराम की निगाह थी, मगर वसीला हुसैन बना था, सुभान अल्लाह, वसीला किसने बना, हुसैन बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी याद रहे, मैं मुख्तसर में उनकी बारगाह में खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वो आपके इमाम थे और आप लोगों ने उनके पीछे नमाज अदा की ने बोलिए ना। और ये मसला भी जहन में रहे कि जो इमाम को इमाम नहीं मानता है उसकी नमाज नहीं होती है इमाम के पीछे। आप किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं
तो उसकी इमामत को तस्लीम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो आपके मौजूदा खतीब व इमाम है इस मस्जिद के, तो आप या किसी भी इमाम के पीछे नमाज मुक्तदी पढ़े तो ये नियत करे कि मैं इसकी इक्तदा कर रहा हूँ, तब जाकर के आपकी नमाज होगी। तो मुझसे ज़्यादा आप उनकी बारगाह में खराज तहसीन पेश करने के हकदार हैं, मुझसे ज़्यादा वो आपके खतीब व इमाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने वक्त के परहेजगार तकवाशार जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबजल उनकी बारगाह में उनकी मरकत पर सुबह क़यामत तक रहमत व नूर की बारिशें अता फ़रमाए। मौला सबजल उनके दराजात को बुलंदी अता फ़रमाए और उन्होंने जो नेकियां की हैं या अल्लाह उनको अजर अजीम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक उनके नाम पर उनके भाइयों को इसाल सवाब करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़िए ताकि बात को आगे बढ़ाऊँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुस्लिमीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व आलिही व अहले बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रियातिही व असबाजिही व सहाबिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता बबारकत रहमत सैयदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वालों में से उलमा हुआ करते हैं, उलमा की ज़ात हुआ करती है। इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है कि नहीं, बोलिए। इसलिए कि जो बंदा इल्मे दीन नहीं सीखता है, हराम क्या चीज़ है, हलाल क्या चीज़ है, शरीयत का कानून क्या है, तरीकत किसे कहते हैं, मार्फत किसे कहते हैं, हलाल क्या चीज़ है, हराम क्या चीज़ है, जायज़ क्या चीज़ है, नाजायज़ क्या चीज़ है, उसको पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब तक वो इल्मे दीन न सीखेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, कि इल्मे दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इल्मे दीन नहीं सीखेंगे, शरीयत की बात नहीं सीखेंगे, तो आपको नमाज पढ़ने का तरीका कैसे पता चलेगा? हज करने का जो अरकान है, जो तरीके हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको? जिंदगी गुजारने का तरीका, हम कैसे जिंदगी गुजारें, हमारी जिंदगी के जो तरीके हैं गुजारने के, वो कैसा होना चाहिए? तो जब तक आप इल्मे दीन नहीं सीखेंगे, इसलिए कि इल्मे दीन अल इल्मो नूर, इल्म नूर है। इल्म क्या चीज है, बोलिए तो? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इल्म सीखते सीखते कुतुबियत के मकाम तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। आज ये कहा जाता है कि इल्म दीन सीखने की क्या जरूरत है, उलमा की क्या जरूरत है? तो इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। इससे क्या पता चला कि जहां हर चीज फर्ज है, नमाज फर्ज है, जो बालिग हैं मर्द औरत उस पर नमाज फ़र्ज है, हज के जो लायक हैं, जो मुस्तहिक हैं, उस पर हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, उसी तरह से सारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज है इल्मे दीन सीखना। क्या सीखना, बोलिए तो? क़यामत के दिन ये उज़्र नहीं चलेगा कि हम जाहिल थे, हम कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा दुनिया का सारा काम तो किया करता था मगर इल्मे दीन नहीं सीखा करता था। इल्मे दीन सीखने की फजीलत क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म सीखो माँ के पेट से लेकर कब्र की पेट तक। कहिए सुभान अल्लाह। बस सोचते हैं पाँचों टाइम का वजीफा पढ़ लिए, बस हो गया, नापाक हो गए, पाक कैसे होंगे ये जानना जरूरी है। वुजू में कितने फराइज हैं, शरायत नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है। हम सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए नमाज में, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है नमाज में, हम भूल गए तो क्या करें? जानना जरूरी है कि नहीं, बोलिए आप? दो बार सजदा करना जरूरी है, हमने तीन मरतबा सजदा कर दिया तो क्या करेंगे? एक मरतबा रुकू करना जरूरी है, हमने दो मरतबा रुकू कर दिया
तो जब तक शरीयत की बात नहीं समझेंगे, उलमा से करीब नहीं होंगे, तो फिर आप समझेंगे कैसे? पता चला कि जिंदगी भर नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है। इसलिए हमारी नमाज कबूल कहाँ से होगी? जो शरीयत का जो कानून है उस कानून के मुताबिक हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज कहाँ से काबिल कबूल होगी? बोलिए बातें सही है कि नहीं? हाँ हूँ तो बोलिए ना कि ये सुभान अल्लाह। तो इल्मे दीन सीखना ये क्या चीज है? बोलिए फर्ज है। इसीलिए मेरा आका इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। इल्मे दीन सीखो अगर तुम्हें चीन जाना पड़े। कहाँ जाना पड़े? अल्लाह के नबी ने एग्जाम्पल दिया था, मिसाल दिया था। चूंकि अल्लाह के नबी मदीने में थे और चीन का मिसाल दिया। क्या मिसाल दिया? कि अगर तुझे इल्मे दीन सीखने के लिए दूर दराज का सफर करना पड़े, मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, तो वहां जाकर के इल्मे दीन सीखो। मगर आज अफसोस की बात है, आलिम आपके पास मौजूद है मगर उसके पास इल्म सीखने के लिए आप जाते नहीं। शरीयत की बातें सीखने के लिए उनके पास, उनकी सोहबत में बैठते नहीं। बल्कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ये साजिश थी कि मुस्लिम कौम को इल्म से भी दूर कर दिया जाए और उलमा से भी दूर कर दिया जाए। इसलिए कि अगर उलमा के पास वो बैठेगा तो इल्म दीन सीखेगा, इस्लाम की बातें सीखेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इल्म दीन सीखना सिर्फ मौलवियों पे फर्ज नहीं है, हर मर्द औरत पे इल्म दीन सीखना फर्ज है। अल्लाह के नबी एक मौका पर इरशाद फरमाते हैं, जानते हैं जो इल्म दीन सीखता है, जो इल्म दीन सीखता है और जो रब की रजा हासिल करने के लिए इल्म दीन सीखता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये उलमा जो कब्रों में लेटे हुए हैं, आप उससे कुल करें या ना करें, इसाले सवाब करें या ना करें, मगर फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। और देखिए आलिम की अजमत क्या है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आज कोई चाहे कि आलिम की शान को, उनकी अजमत को हम घटा दें, कोई घटा नहीं सकता है जनाब। आज शैतान, इस्लाम दुश्मन बहुत कोशिशें कर रहे हैं। उलमाए कराम का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाता है, उनके लिबास का मजाक उड़ाया जाता है। मजाक जितना टॉर्चर आज के दौर में उलमा हो रहा है, आप नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, यरफ़ाउल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। जो ईमान लाए हैं और जिसको अल्लाह ने इल्म दीन दिया है, यरफ़ाउल्लज़ीन, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसकी शान व अजमत को ऊंचा करेगा। तो जरा सोचिए, जिसकी शान व अजमत का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, उसकी अजमत को आगे बढ़ा रहा है, हम और आप कभी घटा सकते नहीं। इसीलिए मेरा आका ने इरशाद फरमाया था कि समुंदर की मछलियां भी उनकी मगफिरत की दुआ मांगते हैं, पहाड़ों के अंदर जो चूटियां होती हैं उनकी बख्शिश, उनकी मगफिरत की दुआ मांगते हैं। और याद रखें, आम इंसान का जिस्म को मिट्टी तो खा सकती है, मगर आलिम दीन, हाफिज कुरान, जो मुअज्जिन की जिस्म की मिट्टी नहीं खा सकती। कहिए सुभान अल्लाह। और आलिम दीन जो होते हैं उनके जिस्म को बोलिए तो मिट्टी नहीं खा सकती है। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कोशिश कीजिए। अल्लाह ने आपको तीन बेटा नवाजा है तो एक बेटा को हाफिज कुरान बनाइए। सुभान अल्लाह। बनाएंगे ना आप हजरत? इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर साथ ही साथ हाफिज कुरान बनाइए, साथ ही साथ इल्म दीन भी सिखाइए। इसीलिए कुतुब हदीस में एक कुतुब तसव्वुफ में एक हदीस मिलती है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आलिम बन या तालिबे इल्म बन, इल्म सीखने वाला बन या उलमा के पास बैठने वाला बन, चौथा मत बनना, यानी उलमा की शान में गुस्ताखी मत करना, उलमा की सोहबत में बैठना। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, जो किसी आलिम बाअमल सहीहुल अकीदा आलिम से मुसाफहा करता है, घोया उसने मुझसे मुसाफहा किया। जिसने किसी आलिम की सोहबत में बैठा तो गोया उसने मेरी सोहबत में बैठा। और कल क़यामत के दिन जब किसी का साया नहीं होगा, अर्श मुअल्ला का साया उसको नसीब होगा। कहिए सुभान अल्लाह। अर्श मुअल्ला का साया नसीब होगा। मगर ये भी जहन नशी रहे कि आदम आलिम थे। कहिए सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम आलिम थे, इबलीस जाहिल था। इबलीस
موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، نبی تھے بے شک، کوئی شک ہی نہیں، عالم تھے، مگر فرعون جاہل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم بھی تھے، نبی بھی تھے، مگر نمرود جاہل تھا۔ تو جس طرح سے آدم اور ابلیس اور عالم اور جاہل میں کبھی محبت نہیں ہوئی، ہمیشہ عداوت ہی رہی، عداوت ہی نفرت ہی رہی، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آج بھی عالم کو اور جاہل سے ملاپ نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، مگر قربان جائیں اس انسان پر کہ میرے آقا کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، کسی عالم دین کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ تو آج بھی کوئی مسلمان کسی عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے، اس نیت سے کرے کہ میں اس سے تو مصافحہ کر رہا ہوں، حقیقت میں سرور کائنات سے مصافحہ کر رہا ہوں، اس کا چہرہ تو دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں نبی کا چلوا دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ عزیزان محترم، عالم کی بڑی عظمت ہے، عالم کی بڑی شان ہے، اسی لیے کہنے والوں نے کہا موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی موت ایک دنیا کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک عالم مر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے 40 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کتنے دروازے بولیے تو؟ 40 دروازے اللہ کی رحمت کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن تک اگر کسی مردے پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ شان کس نے بڑھائی؟ اللہ نے بڑھائی ہے۔ یہ عظمت کس نے دی؟ میرے نبی نے دی ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں یاد رکھیے، اگر عالم نہیں رہے گا جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہیں رہے گا، باپ مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہیں رہے گا نکاح کون پڑھائے گا؟ مفتی نہیں رہے گے تو طلاق کے مسائل کون بیان کرے گا؟ خلا کا مسئلہ کون بیان کرے گا؟ یہ علماء کا احسان ہے آپ کے اوپر میں کہ چند روپیے تنخواہ ان کو ملتی ہے، اس کے باوجود 24 گھنٹہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ آپ پر بہت بڑا احسان ہے ان کا، یہ آپ بولیے تو بہت بڑا احسان ہے۔ تو علماء کی قدر کیجئے، علماء سے قریب ہوئیے، کوئی مسائل اگر پھنس جائے تو علماء کرام کی بارگاہ میں آئیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سر مسائل کا اس کا حل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہم سارے مسلمانوں کو علماء کرام سے محبت کرنے، اپنے امام کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المرسلین سیدنا مولانا نبی محمد جی والا عادشی وحل بیتی ہی وولادی ہی وصفیاتی ہی وصفاتی ہی وصحابی ہی کی اسمین کما صلیت وسلمت سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ دقائق الاخبار ایک کتاب ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم کو پیش کیا جائے گا۔ کس کو پیش کیا جائے گا بولیے تو؟ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا۔ جب اس وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہ عرض کرے گا کہ اے جبریل اس عالم دین کو میرے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ میرے نبی کی بارگاہ میں۔ میں عالم کی شان اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین تھے، سبحان اللہ کہنا۔ کیا تھے بولیے تو؟ عالم دین تھے اپنے وقت کے، اپنے وقت کے مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اپنے وقت کے صوفی باصفا بھی تھے، سب کچھ تھا، اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اسی لیے کہ کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جس کو اپنا بنانا چاہے، اپنا ولی بنانا چاہے تو جاہل بھی نہیں چھوڑتا، کہیے سبحان اللہ، جاہل بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ عالم دین کو حضرت جبریل علیہ السلام
अल्लाह के नबी की बारगाह में ले जाएंगे और उस वक्त अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के पास होंगे और अपनी उम्मत प्यासी उम्मत को जाम भर भर के पिला रहे होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसकी शान व अजमत यह है कि शबे मेराज में मस्जिद अक्सा में सारे नबी जिनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, आसमान पे जाएं तो फरिश्ते खड़े हो जाएं, उस आलिमे दीन की ताजीम और तकरीम के लिए मेरे नबी खड़े हो जाएंगे। ये है शान व अजमत आलिमे दीन की। खड़े हो जाएंगे और उसको उस आलिमे दीन को अपने मुकद्दस हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। लोग सवाल करेंगे कि आप हमें बर्तनों से पिला रहे हैं और इस आलिम दीन को अपने मुकद्दस हाथों से पिला रहे हैं, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे, इसलिए मैं इनको अपने मुकद्दस हाथों से पिला रहा हूं कि तुम दुनिया में तिजारतें करके, तुम दुनिया में बिजनेसें करके अपना माल बढ़ाने की फिक्र में लगे रहे और ये मेरा दीन फैलाने में लगा रहा। सुभान अल्लाह। ये मेरा, बोलिए ना भाई, ये मैं अपनी जमान में कह रहा हूं कि ये टाइल्स मार्बल लगाने में लगा रहा, मगर ये इल्मे दीन का चिराग हर तरफ उजाला करने में लगा रहा। मैं अपनी जमान से बोल रहा हूं, अपनी जबान से बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए। तुम दुनिया की तिजारतें करते थे ताकि मेरा माल बढ़ जाए, तुम अपने माल बढ़ाने की फिक्र में थे और ये मेरा दीन फैलाने में लगा रहा। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये उलमा का बहुत बड़ी कुर्बानी है। हिंदुस्तान की तारीख पढ़े आप, 57,000 उलमा किराम को जिंदा जला दिया। कितने हजार? 57,000 उलमा किराम को अंग्रेज ने जिंदा जला दिया। अंग्रेज खिंजीर के अंदर बंद करके उनको जला दिया और उनकी खोपड़ियों में, उलमा किराम की जो खोपड़ियां हैं ना, खोपड़ी में शराब पिया करता था अंग्रेज। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को खल्के कुरान के मसला पर जब मोतसिम बिल्ला ने कहा ये कुरान मखलूक है, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कुरान मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। तो खल्के कुरान के मसला पे रोजाना इमाम अहमद बिन हम्बल को 10-10 कोड़े लगाए जाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकल रहा है। किताबुर रुया में इमाम इब्ने कसीर से किसी ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अर्शे इलाही को मैं कांधा दे रहा हूं, तो आपने उसकी ताबीर ये बताई कि इंशाल्लाह तू किसी आलिम दीन का जनाजा उठाएगा। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि बड़ी शान व अजमत है उलमा इकराम की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाली नस्लों के अंदर इल्मे दीन को फैलाने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाइए। अगर आप आलिम नहीं बनाना चाहें तो कम से कम जो इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, जो इस्लाम के वाजिबात हैं, इसको तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। दुरुशी पढ़िए, अल्लाहुम्म सल्लि अला व सल्लिम मुबारक अला देकर रसूल करीम रहमतुल आलमीन शफी करीम सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद वाला आलिशि वाले बैत ही बौलाद ही वज़ुर्रियात ही वज़वाज ही वसहाब ही वबुलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत वसल्लमत वबारकत रहमत अला सैयदना इब्राहीम वाला आले इब्राहीम सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये उर्से कुल मजलिस हज़रत मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की रूह को, रूह पर इसाल सवाब करने की ये मजलिस है। इसाल सवाब के हवाले से चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना चाहते हैं आप? ये इल्मी बातें हैं जनाब। हम चाहे तो जिस तरह से मेरी गुफ्तगू होती है हम बोल के भी गुजर जाएं, मगर इतने लोग हैं, 100 लोग हैं, कम से कम 5 आदमी भी मेरी तकरीर से अगर उसकी इसलाह हो गई तो मैं समझता हूँ कि आज की मजलिस कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह। आज की मजलिस क्या हो गई? कामयाब हो गई। इसाले सबाब के हवाले से सुनिए आप, अबू दाऊद निसाई मिश्कात की हदीस है ये, इसाले सबाब करना, फातिहा पढ़ना जैसा कि मुसलमानों में राइज है बिला शुबा जायज़ और मुस्तहसन है। हदीस शरीफ में है,
کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار اقدس نے فرمایا پانی. کیا فرمایا بولیے؟ پانی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا حاضی لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا. یہ سبحان اللہ. تو آج کوشش یہ کریں، عرس کل کیا ہے؟ عرس کل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں کہ عرس کل کیا ہے، مگر جو سنی حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اولیاء کرام کا عرس کل ہے یہ، مگر اور سب لوگ اس کے فائدے نہیں سمجھ رہے ہیں، تو سمجھانا بہت ضروری ہے. تو سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فاتحہ کی مجلس قائم کیا. اب آئیے اس حدیث شریف سے چند باتیں یہ پتہ چلی کہ میت کو کسی کار خیر کا ثواب بخشنا بہتر ہے. کہ یہ سبحان اللہ، صحابی رسول نے کنواں کھودنے کا ثواب اپنی ماں کو بخشا. کس کو بخشا بولیے؟ تو اپنی ماں کو بخشا. ثواب بخشنے کے لیے الفاظ زبان سے کہنا صحابی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ کہ کنواں کھودنے کے بعد انہوں نے فرمایا حاضی لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو روح کو ملے. تیسرا کیا فائدہ ہوا؟ کہ کھانا یا شیرنی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے. کہ یہ سبحان اللہ، آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامنے شیرنی رکھ کے فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے. یار کہاں سے تم نے پڑھا ہے کتاب میں؟ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اور اس کا کہنے کا مقصد کیا ہوتا جانتے ہیں؟ جس طرح سے کفار مشرکین بتوں کے سامنے شیرنی وغیرہ لاتے تھے، اسی طرح سے تم فاتحہ کے ٹائم شیرنی رکھتے ہو. بولیے استغفر اللہ، یار کہاں بت، کہاں بت اور کہاں قرآن پاک کی آیت؟ کہو سبحان اللہ، کہاں بت وہ، کہاں قرآن پاک کی آیت؟ تو شیرنی رکھ کر چاہے آپ کیا پکاتے ہیں، قورمہ شریف، قورمہ پکاتے ہیں، تو اس کے سامنے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں شیرنی نہیں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شیرنی رکھتا ہی نہیں ہے، شیرنی رکھتا ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، صرف ایک دیگ پہ نہیں بلکہ دس دس دیگ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، سمجھیے. اسی لیے کہ اگر جینا ہے تو آنکھ کھول کے جیئے، آنکھ بند کر کے جینا مناسب نہیں ہوتا ہے. کھانا شیرنی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے قریب کا لفظ استعمال کیا اور کہا حاضی لام سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تو کنواں قریب تھا نا جی، بولیے تھے، کنواں کہاں تھا؟ کنواں سامنے تھا، جس سے معلوم ہوا کنواں ان کے سامنے تھا. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ غریب مسکین کو کھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی جائز ہے، جیسا کہ صحابی رسول نے کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ایصال ثواب کیا، حالانکہ لوگوں کے پانی استعمال کرنے پر ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کسی غریب اور مسکین کو کھانا دینے پر ثواب مرتب ہوگا، لیکن اس ثواب کو پہلے ہی بخش دینا بھی جائز ہے. کہ یہ سبحان اللہ، پانی بعد میں پیے گا مگر ثواب پہلے بخشا جا رہا ہے، قورمہ بعد میں کھائے گا مگر ثواب، بولیے نا جی، پہلے بخشا جا رہا ہے. اور اس سے کیا پتا چلا؟ کہ بزرگان دین کے مزارات اور ائمہ مومنین کی قبروں پر فاتحہ کا جو طریقہ سسٹم جو ہے، مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی چند سورتوں کو پڑھنا اور یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جائز اور مستحسن ہے، یہ اچھا کام ہے. اب آئیے اسی طرح پانچوں وقت، میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو قسم خدا کی میرا ایمان مچل گیا اور سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں شکریہ ادا کیا. من لا یشکر الناس بل لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. اسی طرح پانچوں وقت نمازوں سے فارغ ہو کر، کتاب میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، اسی طرح پانچوں وقت نمازوں سے فارغ ہو کر دعاؤں میں الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ بمبئی وغیرہ میں رائج ہے، بہتر ہے. اس لیے کہ ایصال ثواب کرنے والے اور جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے دونوں ثواب کے حقدار ہیں. کہ یہ سبحان اللہ، تو یہ بمبئی میں رائج نہیں ہے،
بلکہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رائج ہے کہ ہر پنج وقتہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اپنے مردوں کے نام پہ اسال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو الحمدللہ اگر اس انداز سے ہم سمجھا دیں اور آپ سمجھ لیں اور دنیا سمجھ لیں تو الحمدللہ جس طرح سے آپ اس سے کل سے فیض حاصل کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی بھی فائدہ اٹھائے گا، یہاں آئے گا۔ اور آگے سنیے، در مختار میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص، یہ در مختار یا رد المختار، سارے مسلک ساری جماعت کے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جتنے مردے قبرستان میں ہیں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اس کو ملے گا؟ بولیے، پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اب آئیے، آج کل جو فاتحہ نیاز کی جو خوبصورت ہے، جو عام طور پر رائج ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ سرکار حاجی امداد اللہ فاروقی قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور ہیں۔ کیا ہیں بولیے تو؟ کیا ہیں بولیے؟ دادا حضور ہیں۔ اب آئیے، دادا حضور بھی فاتحہ کو بھی جائز کہہ رہے ہیں اور میلاد شریف کو بھی جائز کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں بولیے تو؟ میلاد شریف کو بھی جائز کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں میلاد شریف کرتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کیا لکھتے ہیں وہ سنیے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ سے زیادہ علماء سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، مگر الحمدللہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی، ایسا تو نہیں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں۔ اب آئیے سنیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے، فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، میں نے جہاں جہاں میلاد شریف کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں جاتا ہوں۔ تو آپ بھی جائیں گے نا؟ یہ کتاب سچائی آپ کے سامنے میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے میرے بات آئے یا نہیں آئے، مگر جو باتیں ہم بتا دے رہے ہیں وہ بات کبھی نہیں سنیں گے، مگر انشاءاللہ جتنی باتیں ہم بتا دے رہے ہیں، اب کوئی بتائے یا نہیں بتائے، میرا بتانا ہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، میرا سمجھانا ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے کتاب کی روشنی میں، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ سمم بکمن امجن فہم لا یعقلون ہو چکے ہیں، کہ عقلیں بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، مگر الحمدللہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، حسن و حسین کے چاہنے والے ہیں، غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ہم میلاد شریف بھی کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور عرس بھی کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم سب کے پیر و مرشد سرکار صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مرید سرکار مفتی عافظی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار مؤذن رحمۃ اللہ علیہ، پوشیدہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو مقدس ہستیاں ہیں، یہ کن کے مرید ہیں بولیے نا جی؟ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ہم سب بھی انہی کے مرید ہیں۔ تو سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا حضور ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا دیدار تو کراؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اب تم ہی چاہو ڈبا دو یا تراؤ یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ دادا حضور کہہ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، یا نبی اللہ دادا حضور کہہ رہا ہے۔ ارے دادا حضور کو تھی اپنی جگہ بات رکھو، قرآن میں اللہ اپنے نبی کو یا یوہ النبی کہہ کے پکار رہا ہے، یا یوہ الرسول کہہ کے پکار رہا ہے، یا یوہ المدثر کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو فقیر کا مشرب کیا ہے، فقیر کا طریقہ کیا ہے، کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر ہر سال اپنے گھر میں
میں منعقد کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو سرکار رضوان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں میلاد شریف ہر سال ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں ہوتی ہے نا بھائی، ہاتھ رکھیے۔ صرف دیکھیے، یہ ہاتھ اس لیے اٹھے ہیں تاکہ قیامت یہاں بھی گواہ بن جائے اور قیامت کے دن بھی یہ گواہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین خبریں سنائیں گی قیامت کے دن کہ اس سرزمین پر کس نے ظلم کیا ہے، کس نے زنا کیا ہے، کس نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے کس کا مال چوری کیا ہے۔ یہ زمین خبریں سنائیں گی قیامت کے دن۔ یہ عضو، یہ ہاتھ، یہ پاؤں سب میرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے بولیے تو؟ گواہی دیں گے۔ تو یہ اللہ کا گھر بھی گواہ بن جائے، یہاں کا در و دیوار بھی گواہ بن جائے اور ہمارے ہاتھ بھی گواہ بن جائے کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد سرکار رضوان کاشی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے دربار میں، اپنے گھر میں نبی کی میلاد شریف مناتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب کے پیر ہیں۔ کس کے پیر ہیں؟ دیوبندی صاحب کے بھی پیر ہیں، بریلی والوں کے بھی پیر ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ارے بھائی ٹھوک کے تو بول رہا ہوں نا، یہ سب باتیں کوئی خام خیالی نہیں ہے بول کے گزر جانا۔ بغل میں کوئی مولوی سنے گا تو میرا گریبان تھام لے گا، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے بھائی، مائک پہ بول رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے۔ جو تو یہ سب سچی باتیں ہیں، کہیے سبحان اللہ، یہ سب سچی باتیں ہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ تو سچی بات کو بتانے میں ڈرنا کیا چیز ہے؟ ارے آپ مجھ کو بلائیں یا نہیں بلائیں، میں تو سچ پوچھئے میں اس کی فکر ہی نہیں کرتا ہوں۔ آپ بلائیں یا نہ بلائیں، رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مسلمانوں، مگر جس کے سر پر ولی کا فیض ہو، جس کے سر پر غوث و خواجہ کا فیضان ہو، انشاءاللہ العزیز وہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو فقیر کا طریقہ کیا ہے کہ ہر سال محفل میلاد شریف منعقد اپنے گھر میں کرتا ہوں، اور جب کھڑا ہوتا ہوں، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کس کو کہتے ہیں بولیے تو؟ کھڑے ہونے کو، قیام میں لطف اور لذت پاتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ تو آج کل بہت سارے ایسے بہروپیے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے سلام پڑھیے گا تو بولے کھڑے ہو کے سلام کہاں لکھا ہوا، ارے بے وقوف، کوئی نیتا جی آ جائے، ترمول کا لیڈر آ جائے اسٹیج پہ، کھڑے ہو جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو جاتے ہو، گاؤں کا چودھری آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہو، وضو کا پانی آپ پیتے ہو، حکم ہے کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیتے ہو، یہ نبی کی سنت ہے۔ بتاؤ، جس کے صدقے میں زمزم ملا، جس کے صدقے میں وضو ملا، اس کی تعظیم کے لیے ہم اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کھڑے ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ محبت ہے کہ ہم عرس کل میں بیٹھے بیٹھے نبی پر درود شریف بھیج رہے ہیں تاکہ بیٹھنے کا ثواب مل جائے، اور کھڑے ہو کر کے آخر میں نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تاکہ کھڑے ہونے کا ثواب مل جائے۔ اسی لیے رکوع کا الگ ثواب ہے، سجدے کا الگ ثواب ہے، کہو سبحان اللہ، قیام کا الگ ثواب ہے، تشہد میں جو بیٹھتے ہو اس کا ثواب بولو تو یہ الگ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا وہابیت کو، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں ناجائز لکھا ہے؟ آپ ناجائز دکھا دیجئے، آپ تو ناجائز تو دکھائیں گے نہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، مطلق کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھو۔ بیٹھ کے جو پڑھے گا یہ بھی جائز، لیٹ کے پڑھے گا یہ بھی جائز، اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا یہ بھی بولیے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے گھر کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے ہیں نا جی۔ تو گھر والوں کی بات جو نہیں مانتا ہے بڑا بے وفا اور غدار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے تو؟ غدار ہوتا ہے، بے وفا ہوتا ہے۔ جب دادا حضور امداد اللہ مہاجر مکی آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، سرکار رضوان گاچھی کے ہیں، جب سرکار رضوان گاچھی نے ان کی بات کو مانا ہے تو ہم بھی ان کی بات کو مانیں گے الحمدللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مرشد نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی جب مجلس ہو تو وہاں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو جناب، درود شریف پڑھیے، اللہم صل وسلم علیہ۔ محمد جی ولا علیہ بہرے بیٹھ ہوں ولا علیہ ذریاتی کما صلیت وسلم تبارک رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آگے سنیے،
इस महीने के बाद अगला महीना सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ होने वाली है कि नहीं। एक जगह हमसे कहा कि तुम लोग जो है ना अजान गाछी के आड़ में जो है सारे वलियों से रिश्ता को तुमने ख़त्म कर दिया। मुझसे कहा नेपाल की सरजमीन पर सुन्नी उलमा ने कहा, हमने कहा हज़रत आपने मुझको समझा ही नहीं है, बल्कि जो यहाँ आ जाता है वो गौसे आज़म से करीब हो जाता है, जो यहाँ आ जाता है वो ख्वाजा गरीब नवाज से करीब हो जाता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि गौसे पाक को न माना जाए, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं माना जाए, इसीलिए कि जो गौसे पाक को नहीं मानेगा वो अजान गाछी को क्या मानेगा। जो गौसे पाक को नहीं मानेगा जनाब अजान गाछी को क्या मानेगा। आप जानते हैं कि शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले के एतबार से कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी, सहरवर्दी और मुजद्दिदी भी हैं, उन्हीं के खानदान से ताल्लुक है अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का, उन्हीं के खानदान से ताल्लुक है अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का। बताओ जब शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी हो सकते हैं, क्या उन्हीं का खानदान का ताल्लुक रखने वाला अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह कादरी नहीं हो सकते, नक्शबंदी नहीं हो सकते, सहरवर्दी नहीं हो सकते? अरे वो कोई और होगा जो रिश्ता तोड़ने को चाहेगा, मगर सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए तो हमको यहाँ पे बुलाया है। अरे तोड़ने वाला तोड़ रहा है, तोड़ने दो। अरे जोड़ने वाला भी आएगा जो जोड़ देगा, कादरी से जोड़ देगा, नक्शबंदी से जोड़ देगा, सारे गौसो ख्वाजा से जोड़ देगा, और ऐसा जोड़ेगा वो कि हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान उठ करके बागमारी की सरजमीन पे आएगा, सारा हिंदुस्तान उठ के बागमारी की सरजमीन पर आएगा वो। तो अजीजाने मोहतरम देखिए, आपके दादा, हमारे दादा अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के दादा हुजूर फैसला हफ्त मसला में क्या लिखते हैं, हाजी साहब, लोग उनको हाजी साहब कहते थे, कहिए सुभान अल्लाह, क्या कहते थे बोलिए तो। अगर पैदा न होता अगर अहमद का जहूर नूर, न होता हरगिज दो आलम जहूर, ये उन्हीं का शेर है ये। अगर नबी का नूर पैदा नहीं होता तो ये आलम वजूद, ये जमीन और जमा वजूद में नहीं आता। क्या होता बोलिए, वजूद में नहीं आता। सुनिए, बातें ज्यादा हो जाएंगी। हाजी साहब आगे क्या लिखते हैं सुनिए, फैसला हफ्त मसला में पेज नंबर है कितना, 7, 11वीं शरीफ। क्या लिखा है किताब में देखिए, पतली किताब है, आप जाइए ढूंढ लीजिए, फैसला हफ्त मसला किताब का नाम है, उनका किताब लिखा हुआ है। सुनिए, 11वीं शरीफ हजरत गौसे पाक कुद्दिस सिर्रहु, और 10वां और 20वां चहल्लुम शशमाही और सालियाना वगैरह। ये सालाना क्या है, ये मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को सालाना बना रहे हैं ना उनके भाई, क्या नाम है, क्या नाम उनका, मुजीबुर रहमान भाई साहब ने, और उनके जो अजीज व अकरबा हैं सब हैं जो मना रहे हैं। और तोशा हजरत शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, और सहमेनी हजरत शाह अबू अली कंदर रहमतुल्लाह अलैह, हलवा शब बरात और दीगर सबाब के काम इसी कायदे पर मबनी हैं, मरियक दुरुस्त है। तो अब बताइए सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं शरीफ को जायज कह रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो इसीलिए ऐ मुसलमानों, ऐ अजान गाछी के चाहने वालों, अगला महीना जब भी उनकी तारीख आए तो हम भी थोड़ा ही सही उनके नाम पे इसाले सवाब की मजलिस सजाएंगे, इंशाल्लाह, बोलिए, उनके नाम पे इसाले सवाब की मजलिस सजाएंगे। और ये उर्से कुल क्या है जनाब, ये उर्से कुल सारे औलिया कराम के नाम पर इसाले सवाब करने का नाम ही तो उर्से कुल है, कहिए सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ हो या शेमाही हो शशमाही हो, सब मेरे दादा हुजूर इसको जायज कह रहे हैं। तो अब पोता को क्या चाहिए, हम सब पोते हैं ना जी, रूहानी पोते हैं, एक होता है जिस्मानी पोता, एक होता है रूहानी पोता। तो सही मानों में अगर सच्चे वफादार हम उनके पोते हैं तो जो दादा ने बताया है उसी पर चलना एक पोते का काम होता है, इंशाल्लाह चलेंगे ना दादा की बात पे। देखिए हम अपने दादा की बात माने यार, दूसरों की दादा की बात छोड़ दें, बहुत सारे दादे पैदा हो चुके हैं आज, मगर जो मेरा दादा कह रहा है, जो मेरा रूहानी बाप कह रहा है, सच्चा मुरीद वही होता है जो अपने रूहानी बाप के हुक्म पे चलता है, अपने रूहानी दादा के हुक्म पे चलता है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कभी 11वीं शरीफ मनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल
ہمیں اور آپ کو سارے اولیاء کرام کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وأزواجہ وصحابہ واولیاء امته اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیزان محترم، اب تک جو میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں وہ علمی اور فکری باتیں ہیں، اور عالموں کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی بتائی ہے، اور جو میرے دربار کا جو طریقہ ہے، جو وظائف پڑھنے کا طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، وہ میں نے آپ کو اپنے اسلاف، اپنے اقابال، ان کے کہنے کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارا جو سارے کام ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ جائز ہیں اور اچھا کام ہے۔ کیا کام بولیے؟ تو اچھا کام ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سرکار رضان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ کنفیوژن کی شکار ہیں، ان کا شجرہ کہاں ہے، ان کا سلسلہ کہاں ہے، تو یہ سب کو بھی جاننا، بولیے تو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذکر الانبیاء من العبادۃ و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، اور نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں گناہ مٹ جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، وہاں کیا مٹ جاتے ہیں، بولیے تو، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زیادہ نہیں، بس 10 منٹ اور آپ کا وقت لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد مرثیہ خوانی ہوگی، اور اس کے بعد مبارک بادی ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ چند منٹ آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ دے سکتے ہیں؟ تو بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ، اور ابا سے کہیں سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وأزواجہ وصحابہ وأولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور نیک بندوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، وذکر الموت صدقہ، اور موت کا ذکر صدقہ ہے، وذکر الموت یقربکم من الجنہ، اور قبر کی یاد تجھے جنت سے قریب کر دے گا۔ کسی نے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا، اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اسے کل میں ہم موت کو یاد کرتے ہیں، اور ہر وقت یاد کرتے ہیں موت کو، جب ہم کل مر جائیں گے تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بولیے، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، جب شہیدوں کی بات چلی ہے تو آپ ذرا، میں آپ کو ذہن لے کے جا رہا ہوں، آج سے 2 سال پہلے ایک وبا نازل ہوا تھا اس سرزمین پر، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا پر۔ اس وبا کا نام کیا، بلا کیا، اس کا نام لینے سے آج بھی بندہ کو ڈر لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں، بولیے، آج بھی بندہ ڈرتا ہے، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے، اس وبا کا نام نہیں لے سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے عزیزان محترم، اسی وبا کے پیریڈ میں مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی موت ہوئی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے شہید کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو انسان، طاعون ایک بیماری ہے، جانتے ہیں، طاعون ایک بیماری ہے، جو طاعون کی بیماری میں، بلا میں گرفتار ہو کے مر جاتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان، اسے کس کا ثواب ملے گا؟ شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو دریا میں ڈوب جاتا ہے اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ عورت جو جب بچہ پیدا کر رہی تھی، درد زہ کے وقت میں،
दर्द व मुसीबत के घड़ी में वो औरत अगर मर जाती है तो उसे भी शहीदा का सवाब मिलेगा। दीवार से दब के जो मर जाता है उसको भी शहीदों का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह से जो बाबा में मर जाता है उसको भी शहीदों का मकाम, शहीदों का दर्जा दिया जाता है। मौला हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बाबा के पीरियड में बाबा फैली हुई थी, उसी वक्त में उनकी रूह कफसे उन शरीर से परवास कर गई, वो दुनिया से चले गए। तो मेरा ईमान ये कह रहा है, शरीयत ये कह रही है कि उनका मकाम भी, उनका दर्जा भी शहीदों जैसा दर्जा। क्या दर्जा बोलिए तो? शहीदों दर्जा है उनका, उनका मकाम है। इसीलिए जब एक आम मोमिनीन के बारे में यह है कि दीवार से दब जाए, मर जाए, उसे शहीदों का सवाब मिल जाएगा, ये तो आलिमे दीन भी था, ये तो मुत्तकी भी था, ये तो परहेजगार भी था, ये पांचों टाइम नमाज ही पढ़ा करता था, मेरे साथ उन्होंने वक्त गुजारा, इशराक की नमाज नहीं छूटती थी, अवावीन की नमाज इनकी नहीं छूटती थी, तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलिम वही होता है कि जिसके सीनों में अल्लाह का डर पैदा होता है, गौस भाई, जिसके सीनों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है वही आलिम दीन हुआ करता है। तो मेरा विजदान कह रहा है, मेरा ईमान ये कह रहा है, मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को शहादत का मकाम, शहादत का दर्जा आता हुआ है। अजीजान मोहतरम, तो मौत को याद करना, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सबको एक न एक दिन, यहां से बोलिए तो सबको एक न एक दिन जाना है। मगर अजीजान मोहतरम, जाने से पहले वहां की तैयारी जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, क्या बहुत सारे ऐसे बूढ़े हैं जो होटलों पे गप्पाशी में वक्त गुजार देते हैं मगर नमाज पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। इसीलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अस्सलातो इबादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, मन अकाम हां फकत अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम कर दिया, मन तरक हा फकत हदमत दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन को छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या हम सब पे नमाज फर्ज नहीं है? बालिग मर्द और औरत पे नमाज फर्ज नहीं है? इसलिए कि याद रखिए, कयामत के दिन अगर किसी चीज का पहला सवाल किया जाएगा तो सबसे पहले इबादतों में नमाज का पहला सवाल होगा। आपके बारे में कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पर चादर चढ़ाई थी या नहीं चढ़ाई थी, गौसे आजम का मुर्गा तुमने खाया था या नहीं खाया था, उर्से कुल तुमने किया था या नहीं किया था, ये नहीं पूछा जाएगा कयामत के दिन, बल्कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुम पर नमाज फर्ज थी, तुमने उस नमाज को अदा किया था या नहीं किया था। मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम नमाजी थे या नहीं, ख्वाजा गरीब नमाजी थे या नहीं, सरकार हसन काशी रहमतुल्लाह अलैह नमाजी थे या नहीं? अरे गौसे पाक तो इतने बड़े नमाजी थे जनाब कि 14 साल जिंदगी बगदाद के जंगल में गुजार दी, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे मुर्शिद हसन काशी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 14 साल जिंदगी सूरीनामी जंगल में गुजार दी, गौसे पाक की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। वलियों की जिंदगी ऐसे हुआ करती थी, हमारी तरह, आपकी तरह नहीं। अगर आपसे कोई कहता है नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाइए तो आपको डर लगता है कि दुनिया मुझे आतंकवाद कहेगी, दुनिया मुझे आतंकवाद कहेगी, बड़ा घबराहट होती है मुसलमानों। याद रखो, नबी की बारगाह में जाना है, कब्र में नबी को मुंह दिखाना है तो यहूदी वाला चेहरा लेके नहीं मरो, ईसाइयों वाला चेहरा लेके नहीं मरो, अरे नबी को चेहरा दिखाना है तो नबी की सुन्नत को सजा के नबी को चेहरा दिखाना है, अपने चेहदारी पर, चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाइए। कब रखिएगा जनाब, 70 साल का बूढ़ा देखिएगा, 80 साल का बूढ़ा सैलून जाता है और कहता खूटी निकाल दो, क्या बोलता है, खूटी निकाल दो, प्लेन कर दो, इसको चिकना कर दो। ऐ मेरे अजीजो, मेरे बुजुर्गो, अब तुम्हारी जवानी लौटेगी नहीं, अब जवानी तुम्हारी लौटेगी नहीं। इसीलिए कि हर चीज का इलाज है मगर बुढ़ापे का इलाज नहीं है। इसीलिए मैं देखिए, बहुत सारे ऐसे बूढ़े मुसलमानों, देखिए इन्हीं ज़ईफों में माशाल्लाह इनके चेहरे पे दाढ़ी सजी है, इनके चेहरे पे दाढ़ी सजी है, नबी की सुन्नत सजी हुई है। नौजवानों से कहना चाहूँगा, आए नौजवानों, आप भी नबी की सुन्नत को सजाइए ना, सजाएंगे ना, बोलिए ना जी, नबी के क्या बोलता है, फ्रिंज कट क्या रखा है बोलिए तो, फ्रिंज कट, जो हीरो रखेगा दाढ़ी वही रखेगा, जो हीरो रखेगा, मुंबई का हीरो जो रखेगा वही रखेगा। अरे मुसलमानों, मुसलमान का चेहरा अलग होना चाहिए, सुभान अल्लाह, मुसलमान का चेहरा इस्लामी चेहरा होना चाहिए। अरे सहाबी से बढ़कर हम खूबसूरत नहीं है,
सहाबी से बढ़कर हम खूबसूरत हैं, बोलिए सहाबी सबसे बड़े हसीन और जमील। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हसीनों के हसीन थे, मगर मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी मुबारक का थी। और जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक, सबों के चेहरे पे दाढ़ी, सुभान अल्लाह। तो दाढ़ी रखना ये सिर्फ मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, ये अंबिया की सुन्नत है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी तो इतने हसीनो जमील थे जनाब कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नबी को मोजज़ात नबी अता किए जाते, यानी अगर अल्लाह के नबी उंगली के इशारे से चांद टुकड़े भी न करते, डूबा हुआ सूरज भी नहीं पलटाते, अबू जहल की बदमुठियों की कंकरियों से कलमे शहादत न भी पढ़वाते, मेरे नबी का इतना चेहरा हसीनो जमील था, जो चेहरा देख लेता यही नबी होने के लिए काफी था। सुभान अल्लाह, नबी होने के लिए, सबूत नबी की सबूत होने के लिए इतना ही काफी था कि नबी का कोई चेहरा देख लेगा, इतने बड़े हसीनो जमील थे, तो यही नबूवत के लिए काफी था। अज़ीज़ाने मोहतरम, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, इसलिए का वक्त नहीं है, और जब हमको बुलाइए तो ऐसा वैसा माइक मत लाइए, पता क्या चला कि हम ही माइक में घुस जाएंगे, आवाज़ इतनी खींच रही है, वो तो आपकी मोहब्बत है, आपका जोश है जो मैं बोल रहा हूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, चंद नसर के अंदाज़ में चंद अशार आपको मुलाहिज़ा कर रहा हूँ ताकि वो अशार सुन लें, सुना दें आप हजरात को, बोलिए ना जी, सुना दें, सुनना चाहते हैं आप हजरात, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कितनी बातें सुनिएगा, सुनिए अच्छी बातें सुनिए। हदीस में आता है कि दीन का एक मसला सुनना रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, कहिए सुभान अल्लाह, रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। शेर मुलाहिज़ा करें नसर के अंदाज में, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप तो समझे नहीं होंगे, आप तो समझे नहीं होंगे, मैं समझा रहा हूं आपको इस शेर को, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को वो हुस्नो जमाल अता किया कि आपके हुस्नो जमाल में किसी ऐब का गुमान हो ही नहीं सकता, कहो सुभान अल्लाह, किसी ऐब का गुमान हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हर फूल के अंदर कांटा होता है, हर फूल के अंदर क्या होता है बोलिए, हर फूल के अंदर कांटा होता है, मगर मदीने का फूल हर किस्म के कांटे से महफूज है, और हर चिराग के लिए, हर चिराग के लिए धुएं का होना जरूरी है, जहां चिराग होगा, जहां शमा जल रहा होगा, वहां धुआं भी होना जरूरी है, मगर मेरे नबी ऐसी शमे रिसालत हैं, ऐसे चिराग हैं कि धुएं का नामो निशान तक ही नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत ने शेर में नबी के हुस्नो जमाल को बयान किया है, और जिसे सहाबा देखकर ये कहा करते थे, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा मैंने न पहले कभी देखा और न बाद में कभी देख सकता हूं। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी तरह, कहिए सुभान अल्लाह, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी तरह, लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। पता क्या चला कि उम्मती नमाज पढ़े, उम्मती इबादत करे, रियाजत करे, मगर नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के बराबर हो सकता है बोलिए, नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो उम्मती का ये अकीदा हो कि हम नमाज पढ़ते पढ़ते, इबादतें करते करते हम नबी के बराबर हो सकते हैं, तो याद रखिए वो इस्लाम से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए कि सहाबी का यकीदा था, अय्युना मिसलहू, हम में कोई नबी की तरह नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गो, मेरे नबी की तरह कोई नहीं हो सकता। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, कि वही रब है जो माओ के पेट में तस्वीरें बनाता है, शक्लें बनाता है, यानी वो अल्लाह माओ के पेट में हमारी और तुम्हारी शक्लो सूरत बनाता है। क्या बनाता है, किसी का रंग गोरा बनाता है, किसी का रंग काला बनाता है, कहो ना सुभान अल्लाह, किसी का रंग गोरा, कोई काला, कोई छोटे कद का है तो कोई बड़े कद का है, कोई आँख वाला है तो कोई अंधा है, कोई गोंगा है,
कोई बहरा है और जिसको रब ने जैसा बनाया ठीक बनाया है। कौन सा? अगर किसी को अल्लाह ने काला बनाया है तो कोई ये नहीं कह सकता काला कितना बड़ा काला है, ये कहने का राइट बोलिए तो नहीं है। रब ने जिसको जैसा बनाया, किसी को काला बनाया ठीक बनाया, गोरा बनाया ठीक बनाया, गोंगा बनाया, बहरा बनाया ठीक बनाया, ये तो है आम मखलूक की बात, हमारी बात और आपकी बात। जरा चलिए मेरे नबी की बारगाह में कि अल्लाह ने अपने नबी को बनाया क्या हमारी तरह बनाया या उस महबूब के लिए कोई और अंदाज इख्तियार किया। तो आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी के दरबारी शायर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु यूं पेश करते हैं, नबी की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं। व अजमलु मिनका लम तरक्त तो ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। इस शेर का माने क्या हुआ कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीनो जमील बनाया है कि आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और आगे क्या फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आंख देखे भी कैसे जबकि आज तक आपके जैसा किसी माने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, सुभान अल्लाह, जैसा आपने चाहा वैसा रब ने बनाया, सुभान अल्लाह, जैसा महबूब ने चाहा वैसा रब ने बनाया। पता क्या चला, हजरत हसन के इस ईमान अफरोज बयान के पेशे नजर हर मुसलमान का यकीदा होना चाहिए, हर मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि जो हमारे नबी महबूबे खुदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, बेमिसल कायनात के रब ने अपने महबूब को बनाया है तो बेऐब बनाया है। इसलिए कि मोहम्मद के माने होते हैं बेऐब, अल्लाह बेऐब है नहीं, अल्लाह के अंदर कोई ऐब निकाल दे वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर कोई ऐब निकाल दे तो वो काफिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए। इसीलिए कि याद रखिए नमाज रुकन है, नमाज क्या बोलिए, रुकन है इस्लाम का, हज जकात रोजा ये इस्लाम के रुकन है, ईमान नहीं है, ये उलमा बैठा हुआ है पढ़े लिखे सब है, ये रुकन है, रुकन इस्लाम है, ईमान नहीं है। ईमान क्या है बोलिए, ईमान मोहब्बत रसूल का नाम है, ईमान ताजिम रसूल का नाम है, ईमान किसका नाम है जो कुरान कह रहा है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और मेरे नबी की ताजीम करो, सुभान अल्लाह, मेरे नबी की क्या करो, ताजीम करो। तो नबी की मोहब्बत का नाम क्या है बोलिए, ईमान नाम है। तो मोहम्मद के माने होते हैं बेऐब, तो जिसने मोहम्मद के अंदर ऐब माना तो उसने मोहम्मद को मोहम्मद ही नहीं माना, इसीलिए कि मोहम्मद को वही मोहम्मद मानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने नबी को बेऐब मानता है, जो अपने नबी को नूरी बशर मानता है, जो अपने नबी को गायबदान नबी मानता है, जो अपने नबी को जिंदा नबी मानता है, असल में वही मुसलमान है, वही ईमान वाला है। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए एक मौका पर हजरत अली से पूछा गया, किसे पूछा गया, और आवाज़ है अली के नाम का, अली का नाम बोलिए, या अली बोलिए ना जनाब, या अजान गाशी रहमतुल्लाह। किसी ने मौला अली से पूछा कि आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे अली जवाब देते हैं कि मैं अपने नबी से अपनी औलाद से भी ज़्यादा, अपने ख़ानदान से भी ज़्यादा, अपने रिश्तेदार से भी ज़्यादा, बल्कि जिस वक्त प्यास खूब लगी हो, प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, उस वक्त ठंडा पानी अजीज होता है मेरे लिए, ताकि ठंडा पानी पीऊँ मेरी प्यास बुझ जाए, उस वक्त के ठंडा पानी से भी ज़्यादा मेरे नबी अजीज़ हैं मेरे लिए, मेरे नबी प्यारे हैं मेरे लिए। इसीलिए जानते कि मौका पर हम जब मर जाएंगे ना तो हमारी बीवी रोती है खूब कि मेरा शौहर जा रहा है, बाप मरता है तो बेटा रोता है कि जायदाद का रखवाला कौन होगा, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का जब टाइम आया, कहिए ना सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल का वक्त जब आया, उनकी बीवी जो थी ना जौजे मोहतरमा सरहाने के पास बैठे बैठे रो रही थी,
गम की मारी थी, मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा था, मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा है। आज मेरे लिए खुशी का वक्त नहीं, गम का वक्त है कि मेरा शरीक-ए ज़िंदगी आज दुनिया से रुखसत हो रहा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बीवी ये मत कहो कि आज गम का दिन है, ये कहो कि आज खुशी का दिन है। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए खुशी का दिन है कि अलका गदन अलका मुहम्मदन व हिज़्बिही, इसलिए कि कल नबी से मुलाकात होगी, नबी के सहाबा से मुलाकात होगी। मरने के बाद किससे मुलाकात होती है, बोलिए ना जी, नबी से मुलाकात होगी। पता क्या चला कि नबी की याद में तड़पना, नबी की मोहब्बत में जीना, यही असल में ईमान है। ये क्या बोलिए, असल में ईमान है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के 37वीं पीढ़ी से आपका नसबी सिलसिला मिलता है, कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह के नबी ने पूछा कि ऐ उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, ऐ उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के सिवा तमाम चीज़ों से आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो जानते हैं अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ उमर किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले, तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुकद्दस, अपना हाथ फारूक आज़म के सीने पे रखा, निगाह मुस्तफ़ा पड़ी, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो गया। और उसके बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए फारूक आज़म, क्या कि या रसूल अल्लाह कसम है उस ज़ात की कि जिस ज़ात ने आप पर कुरान पाक को नाजिल किया है, या रसूल अल्लाह अब मेरी जान से भी ज़्यादा आप मेरे लिए प्यारे हो गए हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अलान या उमर, ऐ उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। कहो सुभान अल्लाह। फारूक आज़म से कहा जा रहा है, जो वक्त के नमाजी, जो अशरे मुबशरा में से हैं, जिसको सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, बताओ उस फारूक आज़म से कहा जा रहा है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ प्यारा नहीं मुझको समझोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा है कि हम अपने नबी को अपनी औलाद से भी ज़्यादा चाहते हैं, कि नहीं, बोलिए, माल से भी ज़्यादा, जायदाद से भी ज़्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल हम सारे मुसलमानों को नबी की ताज़ीम करने, नबी का अदब करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरे मुर्शिद ने जो चार उसूल, जो चार कानून बताए हैं कि पंच वक्ता बगैर कज़ा पंच वक्ता नमाज अदा करना है, इंशाअल्लाह पंच वक्ता नमाज अदा करेंगे। मेरे मुर्शिद ने कहा रिज़्क़ हलाल खाना है तो रिज़्क़ हलाल को खाएँगे इंशाअल्लाह, इसीलिए कि रिज़्क़ हलाल खाना ये कुरान कह रहा है, नबी की हदीस कह रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो हराम का एक लुकमा पेट में डालता है 40 दिन तक उसकी नमाज, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, तकवा परहेजगारी को इख्तियार करना है, सूद जैसी लानत चीज़ों से परहेज करना है, रिज़्क हलाल खाना है और पंच वक्ता नमाज के बाद हक्कानी वजीफा को पढ़ना है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे बिरादर मोहतरम रईसुद्दीन भाई, मुजीबुद्दीन भाई ने और मौला हुसैन रहमत साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाइयों ने और उनके जो दोस्त अईज़ो अकरबा हैं, मैं जिस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी उस वक्त मैं यही समझ रहा था कि हाजी इलियास साहब और भी जो उनके जो दोस्त अईज़बा हैं वो कहीं भी जाते थे ये कहते थे कि हाजी इलियास मेरे भाई हैं। कहीं सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखो जनाब, खूनी रिश्ता से ज़्यादा ईमानी रिश्ता भारी होता है। खूनी रिश्ता से ज़्यादा ईमानी रिश्ता भारी होता है। हज़रत बिलाल कहाँ के थे, बोलिए ना जी, हज़रत बिलाल हबश के थे, ईमान इस्लाम कबूल कर लिए, अब वो हबश का नहीं रहा बल्कि नबी का ग़ुलाम बन गया। और जब जो नबी का ग़ुलाम हो जाता है वो सारे मुसलमानों की आँखों का तारा बन जाता है। मगर अबू जहल अबू लहब, खूनी रिश्ता था मेरे नबी से, था ना जी, खूनी रिश्ता था मेरे नबी से, चचा हो करके भी
आज हर मुसलमान के पांव का फुटबॉल बना हुआ है। कोई इसकी इज्जत करता है ना, बोलिए करता है कोई? कोई करता है? जरा हाथ उठा दीजिए भाई, कोई करता है? नहीं ना करता है। इसलिए कुरान उसकी तबाही के लिए दुआ दुआ कर बददुआ कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, खूनी रिश्ता से ज़्यादा ईमानी रिश्ता ज़्यादा भारी होता है। हम कहीं की भी रहें मगर आपसे जो रिश्ता है वो ईमानी रिश्ता है। तो ईमानी रिश्ता जो होता है ये बड़ा मजबूत रिश्ता होता है, और यही ईमानी रिश्ता कल क़्यामत के दिन काम आएगी। क़यामत के दिन क्या बोलिए? काम आएगी। इसीलिए पूछा गया था अल्लाह के नबी से कि बाप के मरने के बाद एक औलाद पे क्या हक बनता है, तो मेरे नबी ने फरमाया था कि जो उसके दोस्त हैं, यानी जो बाप के जो दोस्त हैं, एक औलाद के लिए ज़रूरी है उसकी इज्जत करना। क्या करना बोलिए? उसकी इज्जत करना, उसकी फ़िक्र करना, उसकी खबर करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मौला हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके पासमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनके घरों में रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको इसका सिला और अजर अजीम अता फरमाएगा। जितनी देर बातें हुई हैं कुरान और हदीस की रोशनी बातें हुई हैं, मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें, पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हक्कानी दुरूशी كما صليت وسلم تبارك ترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد قال ابن سعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله قل يا سوال الله سوال الله رب सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 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 कुल ला हौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिर अज़ीम ला हौला لا حول ولا قوه الا بالله العظيم 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 لا حول ولا अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन लज़मि अतूबु अलैह 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 सराफाते आऊज़ बिललाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीनिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة إخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر مجید اللہ
आखिर जाओगे मिट्टी के अंदर फिर सरब को कहते हुए अरदाम के पहले तुम लिबास से मर के माता हजरत आदम नबी ने से जमीन के जल बसे नू ये किस दीवाने आलम की से जल बसे उसु बजिया के बेस में नजा को गलील हाके मालिम सुलेमान उमर अल्लाह जल बसे उदावरे दिल से नफसी सुआयो सोए दाऊद इस्लाम घर के चेहरे चंद जल बसे आसमा वरी सौर दाऊद मूसा खाक में लेके तवरा तो जो बुरंगिल हाक से चल बसे पढ़िए चल बसे जिनके जमीन आसमां पैदा हुए नातुल फरदा उसमें आके बेहरे चल बसे आप बकर उमर आपसे उस्मान वाली से तो चल बसे हजरत रसूलुल्लाह की दई बता रहे थे दोनों में चल बसे नूर चश्मे और तो जाने दिन से दुश्मन की जार पी लिया और पा रहे दिल मुँह से डाले चल बसे बढ़िया चल बसे शायद हस्ते करबला ने जालिम के हक से जुग में धीरे ने जा समसर कह रहे चल बसे बुआ निबासा फिर मालिक हम बोले इमाम इंदा जमा सरा करके देख बता चल बसे कौशिक आजम से अब्दुल कादरी कलम के बगर जुदे शिवली के मानंदे किस ने आए सर को देखे तमाशा चल बसे वहीमा को सब जलाई पा सुलेमान को एक आसे के काम मिलते लाख में हक से चल बसे बड़ी चल बसे जब जाने वाले दोस्तों उसके उससे बोले कर पाया वो आली धीरे वैसे कहा इल्म फांसी ने सब जाता रहा मुस्कान सिकता की तमाम इल्म मना रहा कि नहीं मुझे बाप हासिल ये सब जाता है जाहिल वो अली बढ़िया चल बस चल बस के जीवन हर मंसर चल बसे देखते ही देखते अक्सर ना तंदुरुस्त खूबसूरत चलते चल बसे हाई कोई भी ना बोल रहे ना घुस खबर चुपको कर सहरे खामो सामी या से चल बसे बढ़िया चल बस चल बस चल बस एक दिन हम ऐसे सुरा से जिस रजीरे जब जाएंगे चल बसे जैसे चल बसना भाई यार काम करते हैं दोस्तों को कॉल कहेंगे आज भी चल बसे खाना ही असली में जाने के जरा तो फिक्र कर खोलो आके देखी इल्मी यार कैसे चल बसे पढ़िए चल बस चल बस आ गिर बना
اللهم ربنا امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى يرسل سجل سوكو كما تمر 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 الى يرسل سجل سوكو كما எல்லாம் ஒரு சுசக செய்தோ கோக்கியம் தமரிகளை விசுசக செய்தோ கோக்கியம் தமரிகளை விசுசெய்தோ கோக்கியம் தமர செய்தோ கோக்கியம் தமரிகளை விசுசக முறிதோ கோக்கியம் எல்லாம் சுசக முறிதோ கோக்கியம் தமர முறிதோ கோக்கியம் தமர முறிதோ கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக முஸ்லிமான கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக முஸ்லிமான கோக்கியம் தமர முஸ்லிமான கோக்கியம் தமர முஸ்லிமான கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக குரிபோ கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக குரிபோ கோக்கியம் குரிபோ கோக்கியம் தமர குரிபோ கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக அமிரோ கோக்கியம் தமர எல்லாம் விசுசக அமிரோ கோக்கியம் அமிரோ கோக்கியம் தமர அமிரோ கோக்கியம் தமர இலை வம்சபாரு கோகனமாக்கிய மதம் மாறு இலை வம்சபாரு கோகனமாக்கிய மதம் முறை இலையாலே பாரு கோகனமாக்கிய மதம் இலையாலே பாரு கோகனமாக்கிய மதம் முறை இலை முர்ஷிது முடிஞ்சு கொடு சக்கிய மதம் முறை இலை முர்ஷிது முடிஞ்சு கொடு சக்கிய மதம் இலை மெம்மரி முர்ஷிது கோவர் சக்கிய மதம் முறை இலை மெம்மரி முர்ஷிது கோவர் சக்கிய மொத்தம் மோவார் பொடிய மோவார் கோவார் ஜாயத حکومت اب عمل کرنے کی توفیق کو تیری خاصل کا سبا جات میں علم نور میں ایک مدد قدرت فضل و کرم کر ساجی میں رحمت اور رضا مند میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک مبارک مبارک
इलाही नूरानी कुरान शरीफ नूरानी हदीस शरीफ वली अमर सिद्दीक के साथ जदा बेदर गजरे बनाने में नूरानी मौका शरीफ और मदीना नूरा शरीफ नूरानी बकरे उधर मार कुमार का जी नूर बना कर बात और फिर का की गुमरे सिर को कुबरो फितना बसा मगर हादास की हासा देना है दादा दुश्मनी बातल तरीका की मिटाने का जरिया बनाने में क्यामत तक मुबार इलाही जन्नत का जो आरस का है नूरानी मौका शरीफ और मदीना शरीफ नूरानी बकरे उधर मार कुमार का जी नूर बना सारी दुनिया की हिदायत ईमानदार के दिल में नूर और मर बता बोलता अल्लाह अपने कामिल मुसलमान की मोहब्बत नमाज रोजा फास जकात और कानी हो जी बाबू शुक्र की मोहब्बत पैदा कर तमाम ईमानदार की मदद करने और सारी दुनिया भर दीन को गालिब करने में क्या मतलब मोहर इलाही नमाज कानी हो जी बाबू शुक्र और कानी रसलात की हर जबान में इसात घर ध्यान खार घर जारी करने में क्या मतलब मोहर वो फड़ी मोहर खड़े हो जाए सलाम पढ़े आका ले लो सलाम अब हमारा आका सबा तू मदीने जाके सबा तू मदीने जाके कहना खुदा रा सलाम अब हमारा आका ले लो सलाम गम में है डूबे हुए जुल्मों से टूटे हुए मुद्दत हुई या नबी किस्मत को रूठे हुए के रोज़े महशर उम्मती का रोज़े महशर उम्मती का तू ही सहारा का ले हमारा जिंदगी कुछ नहीं आका तुम्हारे बिना बुलवाइए या नबी लगता नहीं दिल यहाँ के रूह निकले पढ़ते पढ़ते रूह निकले पढ़ते पढ़ते कलेमा तुम्हारा ले हमारा आका चांद के टुकड़े किए सजदे किए सूरज पलट आ गया ये मोजज़े आपके उम्मती क्या खुद खुदा भी उम्मती क्या खुद खुदा भी शैदा तुम्हारा सलाम अब हमारा आका ले लो हसनैन का वासिता दे दो हमें या नबी हसनैन का वासिता दे दो हमें या नबी गौस से निस्बत यही कायम रहे या नबी के शाह बगमारी है वो शाह बगमारी है वो मुर्शिद हमारा सलाम
अब हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सोहाना जगमगा उठा जमाना हूरे पड़ती थी तराना या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका भेज दो अपनी अताएं बख्श दो सबकी खताएं दूर हो गम की घटाएं वजद में हम यूं सुनाए या नबी या हबीब सलाम अलैका सलाम नबी पैदा हुए थे सब मलक सर पर खड़े थे रब्बे सल्लिम कह रहे थे बादब यूं कह रहे थे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवा सदका दो प्यारे अली का सदका दो प्यारे हुसैन का सदका दो औलिया का सदका दो अजागाची का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैक या अशरफुल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैक इमामुल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुरूशी पढ़ते हुए बैठ जाइए अल्लाहु सल्लि व सल्लम बबारक अला अब्दिकर रसूलिल करीम रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रियातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व يا امتي اجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد जो मौलाना हुसैन साहब के भाई हैं वो भी करीब रहेंगे और जो मौलाना साहब हुसैन साहब के जो दोस्त हैं जो इकरबा हैं वो भी दुआ में शामिल रहेंगे ज़रूर से। अल्लाहुम्मा आमीन। परवरदिगार आलम हम लोगों जो इस वक्त तेरी तस्बीह और तहरील और तकदीस की है और तेरे महबूब की बारगाह में सलाम और मोहब्बत के गुलदस्ते पेश किए कुरान पाक की तलावत की गई या अल्लाह हमारे पढ़ने में किसी तरह गलती गुस्ताखी आमदन सबन हो चुकी या अल्लाह इसे मुआफ़ अता फरमा दे या अल्लाह पढ़ते वक्त अपने दिल को पूरी तरह से रुजू न कर सके इस तकसीर से भी है ज़राए इनायत दरगुजर फरमा कर तू अपनी रहीमी करीमी से कबूल फरमा कर इसका सवाब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात खातिमन नबीन शफील मुज़निबीन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अधहर को इसका सवाब पहुँचा दे या अल्लाह उनके सदके तुफ़ैल में तमाम मोमिनीन मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जो हज़रत
آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے پیدا ہوں پیدا ہوں گے تمام کی روحوں کی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کم و بیش 124,000 انبیاء و مرسلین کے علاوہ طیبہ کے اس مقدس کلمات کا ثواب پہنچا دے۔ جمیع صحابہ کرام، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، امام طریقت، غوث قطب، رقیب نجیب شریف، سعید، شہید، شہداء، صلحاء، کل اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر کے آل فاروقی کے تمام مرشد و مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، چار پیر، 14 خانوادہ وغیرہ کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم اس کا ثواب سرکار صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کی روحی اطہر کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر اس کا ثواب حضور مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر اس کا ثواب حضور مفتی عافظی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حضور پوشیدہ صابر سنگھا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ حضور موجودہ گدی نشین صاحب کی بلا دعوت برکاتم العالیہ پر جاری اور ساری عطا فرما دے۔ مولا عزوجل اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جو رحلت کر چکے ہیں تمام کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ مولا عزوجل سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس تمام قرآنی وظائف کا ثواب، اورات و وظائف کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، درود و محبت و سلام کا ثواب خصوصیت کے ساتھ برائے سال ثواب مرحوم مغفور حضرت علامہ مولانا شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عزوجل سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ساتھ ہی ساتھ مرحوم نیاز محمد صاحب، مرحومہ مومنہ بی بی صاحبہ، مرحومہ رب نور نساء صاحبہ، مرحوم فقیر محمد صاحب کو اس دو ختم کلام اللہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو قرآن مجید کی، ختم کلام اللہ کی اوراد و وظائف کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عزوجل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں ان مرحومین کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے محفوظ و مامون عطا فرما دے۔ مولا عزوجل مولانا حسین صاحب کے جو دوست و عزیز و اقربا ہیں، یا اللہ خاص کر کے حاجی الیاس صاحب اور بھی جو دیگر حضرات ہیں، مولا تمام کی روحوں کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ خاندان، ننہالی خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ادھیر گزر چکے ہیں، تمام کی ارواحوں کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ مرحوم مغفور مولانا شیخ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو بھی گناہ صغائر کبائر عمدن قصدن انجانے میں جان کر کے ہو چکے ہوں گے، مولا عزوجل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں اور پانچوں مرشیدان برحق کے صدقے طفیل میں، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں، سید الشہداء آقا حسن حسین کے صدقے طفیل میں، کل اولیاء اللہ اور خاص کر کے پانچوں مرشید برحق کے صدقے طفیل میں، یا اللہ مولانا حسین صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ قبر کی عذاب سے، قبر کی وحشت سے محفوظ و مامون عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ مولا عزوجل ان کے چہرے کو سفید عطا فرما دے۔ مولا عزوجل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مجلس سے اور سے کل میں اگر کسی کی ماں، اگر کسی کے والد محترم دنیا سے انتقال کر چکے ہیں مولا عزوجل، کسی کا عزیز بچھڑ چکا ہے، مر چکا ہے، مولا عزوجل ان کی روح کو بھی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ مولا عزوجل جس پیر بھائی بہن کی موت کی خبر دربار تک نہ پہنچی ہو، مولا عزوجل ان کی روح کو بھی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ حضور موجودہ گدی نشین صاحب کی ولا کے خاندان در خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہوں گے، تمام کی روحوں کی ساتھ مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان تمام کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس کی کیاریوں میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک تمام عالم پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر فقیر آل عارضی صادق یا آل فاطمہ زہرا بنت فاروقی حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی عافظی رحمۃ اللہ علیہ پر، آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر
हमारे पीर रोशन जमीर हुजूर पोशीदा साबर सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर हमारे पीर रोशन जमीर हुजूर मौजूदा गद्दे नशी साहब किबला दामत बरकातुम अलिया के जात पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर जो इस वजीफा को पढ़ते थे पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे उन पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आले फारूकी पर तमाम जायरीन फारूकी पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर हाजिबाज खादिमानी बोस्तान पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर हक्कानी अंजुमन के मुतवल्ली नायब मुतवल्ली उनके वारिसान मौरिसान पुरामीन या इलाही रहमत ज्यादा कर आज के इस उर्स कुल करवाने वालों पर और इस उर्स कुल में शरीक होने वालों पर आमीन या इलाही रहमत ज्यादा कर जो हाजिर है उन पर जो गायबीन है उन पर ए मेरे बारी ए मेरे मौला तो अपने खास फजल करम से आज की इस उर्स कुल शाखा मजलिस में जितने लोग शरीक हैं या अल्लाह उनकी शिरकत को काबिल कबूल अता फरमा दें या शाफी मुतलक जितने मुबतला मर्ज हैं या अल्लाह उन्हें सेहत ज़ाहरी और बातिनी अता फरमा दें मौला अज़्ज़ा वजल तेरे घर में और तेरे घर में तेरी बारगाह में हम सब हाथ उठाए मौला अज़्ज़ा वजल जो भी औलाद है या अल्लाह उन्हें सहाबे औलाद नसीब अता फरमा दे या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बेरोज़गार है या अल्लाह उन्हें बरसरे रोज़गार नसीब अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल जो परेशान हाल या अल्लाह उनके परेशान हाल को दूर अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल सरवरे कायनात के सदके तोफ़ैल में हमारी माँ बहनों को कुरान पाक की तिलावत करने पंच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल सरवरे कायनात के सदके तोफ़ैल में आज की इस मजलिस उर्स कुल में जितने लोग तेरी बारगाह में दस्ते दराज है मौला अज़्ज़ा वजल इनकी दिली हाजतों को दिली मकासद को पूरी अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल खुसूसियत के साथ हमारे बिरादर मोहतरम रईसुद्दीन भाई और उनके मौला हुसैन साहब के भाईजान मुजीबर साहब और उन लोगों ने उनके साहबजादों ने जो आज की इस मजलिस से उर्से कुल का इंतजाम व अहतमाम किया है मौला अज़्ज़ा वजल इनके रोज़गार में बेपनाह बरकतें नसीब अता फरमा दे या अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की खुशहाली अता फरमा दे और उनके दोस्त मोहतरम बरदर मोहतरम हाजी इलियास साहब की ज़िंदगी में खैर बरकत का नज़ूल अता फरमा दे परेशानी मुसीबतों किल्फतों को दूर अता फरमा दे और उनके जो भी दोस्त अज़ीज़ व अक़रबा हैं तमाम की परेशानी मुसीबतों को दूर अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल सरवरे कायनात का सदका नसीब अता फरमा दे सरकार आज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम से अल्लाह हम सबों को माला माल अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल हासिदों की हसद से शरीरों की शरर से निगाह बद से या अल्लाह हम सबों को महफूज फरमा दे या अल्लाह सरकार आज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार दुनिया के गोशे गोशे में हम सबों को पहुँचाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे या अल्लाह हक्कानी वजीफ़ा को मजबूती के साथ हर पंच वक्त नमाज के बाद पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे या अल्लाह हम सबों को रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल सरवरे कायनात के सदके तुफ़ैल में सदके तुफ़ैल से क़यामत तक अपने भाई मोहतरम की बारगाह में हमारे मुजीबर भाई को रईस भाई को और जितने मौला हुसैन साहब के भाई हैं या उनके औलाद हैं इसी तरह से अपने भाई और वालिद मोहतरम के नाम पर इस आले सवाब करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे या अल्लाह उनकी अहलिया मोहतरमा को सब्र जमील अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल सरवरे कायनात के सदके तुफ़ैल में या अल्लाह आज की इस मजलिस से उर्से कुल को काबिल कबूल अता फरमा दे या अल्लाह हम सबों को अहले सुन्नत व जमात पे मौत नसीब अता फरमा दे खास करके निकराग में जितने मुसलमान जिंदगी के सुबह शाम गुजारते हैं इनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दे या अल्लाह सरवरे कायनात का सदका नसीब अता फरमा दे मौला अज़्ज़ा वजल का करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में या अल्लाह हम सबों को अहले सुन्नत व जमात पे मौत नसीब अता फरमा दे या अल्लाह जब हम दुनिया से रुखसत हों मुबारक लौंग सुनते हुए कलमे शहादत पढ़ते हुए और तेरे महबूब के चेहरे अनवर का दीदार करते हुए ईमान पे खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून हसबुनल्लाहु व निमल वकील निमल मौला व निमल नसीर रब्बी औज़िनी अन अशकुरु निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन रब्बना व अज्अल लना मिन लदुनका वलिया व अज्अल लना मिन लदुनका नसीरा ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمه للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى اله واهل بيته واولاده وسرياته واسواجه واصحابه واولياء امتي اجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى اله واهل بيته واولاده
ازواجه وذريته وازواجه وصحابه واولياء امته اجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمه للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى اله واهل بيته واولاده وذرياته وازواجه واصحابه واولياء امته اجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم تبرک کے انتظام میں کھا کے جائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ